गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश लेसन 11, लेडी बग लेडी बग। स्टूडेंट्स, आज हम इन लेसन 11 में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पोएम की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट लेसन 11, लेडी बग। लेडी बग एक प्रकार का गुबरेला कीड़ा। नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के नंबर ए में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। नंबर वन, फ्लाई अवे डैश, फ्लाई अवे होम। यहाँ पे हमने फिल किया होम, फ्लाई अवे होम, अपने घर की तरफ उड़िए या जाइए, फ्लाई अवे होम। नंबर टू, योर हाउस इज ऑन डैश एंड योर डैश ऑल गॉन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर टू में हमने नंबर पहले फिल इन द ब्लैंक्स में फायर फिल किया एंड दूसरे में चिल्ड्रन। योर हाउस इज ऑन फायर एंड योर चिल्ड्रन ऑल गॉन। आपके घर में आग लगी हुई है, आपका घर जल रहा है और आपके सारे बच्चे चले गए। नंबर थ्री, ऑल एक्सेप्ट डैश एंड दैट्स अन, फॉर सी हैज क्रेप्ट अंडर द डैश पेन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टू फिलअप है नंबर थ्री में। तो हमने पहले फिल इन द ब्लैंक्स में वो एनी वन फिल किया है और दूसरे में फ्राई। ऑल एक्सेप्ट वन एंड दैट्स अन, फॉर सी हैज क्रेप्ट अंडर द फ्राइंग पैन। एक को छोड़कर बाकी सभी चले गए हैं, सिर्फ एक बची है, उसका नाम है अन, और वह अपने आप को आग से बचाने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर रेंग रही है, चल रही है। स्टूडेंट, नंबर ए के बाद हम नंबर बी कल करेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और ए के बाद अभी हम करते हैं नंबर सी, एक्सरसाइज का नंबर सी। आज हम ए और सी कंप्लीट कर लेते हैं, कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने वाली हूँ, नंबर बी मैं कल कराऊँगी। ओके, तो अभी करते हैं नंबर सी। राइट अ वर्ड दैट राइम्स। राइम्स मीन्स तुकबंदी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइमिंग वर्ड लिखने हैं। नंबर वन, हाउस। हाउस का हमने यहाँ लिखा माउस, हाउस माउस। जो वर्ड बोलने में सेम सेम होते हैं उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है हाउस, तो हाउस का हमने लिखा माउस। नंबर टू, वग। वग का हमने यहाँ लिखा जग। नंबर थ्री, ऑल। ऑल का हमने यहाँ लिखा टॉल। टॉल का टॉल भी हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा टॉल, ऑल का टॉल। नंबर फोर, पेन। पेन का हमने लिखा यहाँ पे कैन। नंबर फाइव, फ्लाई। फ्लाई का हमने लिखा यहाँ पे क्राई, यहाँ पे ट्राई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड बोलने में एक से होते हैं, जिनका उच्चारण सेम सेम होता है, जब हम बोलते हैं तो एक से लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स और राइमिंग वर्ड अभी कंप्लीट कर लेने हैं, फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का नंबर बी क्वेश्चन आंसर है इसमें, तो वो कंप्लीट कराऊंगी। ओके,